हेलो एवरीवन, आज हम लोग इस वीडियो में हाइट एंड डिस्टेंस का 10th बोर्ड का दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए क्लाउड फ्रॉम अ पॉइंट एच मीटर अबव अ लेक इज अल्फा एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स रिफ्लेक्शन इन द लेक इज बीटा। प्रूव दैट द हाइट ऑफ द क्लाउड इज एच इंटू 10 बीटा प्लस 10 अल्फा डिवाइडेड बाई 10 बीटा माइनस 10 अल्फा। प्रूफ करना है हम लोगों को। ये CBSE में पूछा गया क्वेश्चन है। सबसे पहले देखते हैं हम लोग क्या करते हैं। यहाँ पर हम लोग सबसे पहले ए बी जो है हम लोग सरफेस ऑफ द लेक ले लेंगे, ये लेक है। पी पॉइंट जो है एच मीटर ऊपर है, सी क्लाउड है और डी जो है रिफ्लेक्शन है क्लाउड का। तो पी से जो सी आपका एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा क्लाउड का अल्फा बन गया और इस रिफ्लेक्शन का जो है आपको बन गया बीटा एंगल। ये एच है तो ये भी एच मीटर हो गया। हम लोग मिला दिए इस लाइन को, इस तरह मिलाइए। यहाँ से इस एंगल ऑफ डिप्रेशन का ये लाइन मिलेगा तो इसको हम लोग एक्स मीटर कंसीडर किए। ठीक है, ये एच मीटर हो गया। अब देखिए ये बी डी जो है ये बी सी के बराबर होगा, एक्स प्लस एच मीटर। हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, लेट इस कंसीडर ए बी इज़ द सरफेस ऑफ द लेक एंड पी इज अ पॉइंट वर्टिकली एबव ए सच दैट ए पी इक्वल टू एच मीटर्स, सी इज़ द पोजिशन ऑफ क्लाउड एंड डी इज द रिफ्लेक्शन इन लेक। पी क्यू परपेंडिकुलर इज ड्रॉन टू सी डी। पी क्यू जो है परपेंडिकुलर ड्रॉन किया है सी डी पे। देन एंगल क्यू पी सी जो है अल्फा हो जाएगा, क्यू पी डी बीटा हो जाएगा, बी क्यू इक्वल टू ए पी एच मीटर्स हो जाएगा, सी क्यू इक्वल टू एक्स मीटर हम लोग माने हैं। देन बी डी इक्वल टू बी सी इक्वल टू एक्स प्लस एस मीटर हो गया। चलिए हम लोग इधर देखते हैं फिर कैसे आगे बढ़ेंगे। हम लोग को लेना है इन राइट एंगल ट्रायंगल पी क्यू सी। पी क्यू सी में हम लोग देखते हैं, देखिए पी क्यू सी में तो कॉट अल्फा, कॉट अल्फा की अगर बात करेंगे तो कॉट अल्फा होता है बी बाय पी, यानी पी क्यू बाय पी सी। बी बी बाय पी सी क्यू ये परपेंडिकुलर हो जाएगा पी, ये एच हो जाएगा। ये बी इस पी सी क्यू ट्रायंगल में अल्फा के लिए ये पी, ये बी, ये एच, तो पी क्यू बाय सी क्यू। तो पी क्यू इक्वल टू एक्स कॉट अल्फा हो जाएगा। ये आपका इक्वेशन वन हो गया। इन डॉट एंगल ट्रायंगल बी क्यू डी में देखिए पी क्यू डी में तो हम लोग दिखा देंगे कॉट बीटा। कॉट बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा देख लीजिए, ये वाला। ठीक है, कॉट बीटा इक्वल टू हो जाएगा पी क्यू बाय आपका क्यू डी। कॉट बीटा इज इक्वल टू पी क्यू बाय क्यू डी यानी कि बी बाय पी, तो कॉट बीटा। तो पी क्यू का वैल्यू क्या है आपका, पी क्यू का वैल्यू नहीं पता है, चलिए पी क्यू ही रहने दीजिए इसको। क्यू डी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये एक्स प्लस एच है, ये एच इसमें ऐड हो गया तो एक्स प्लस टू एच, तो क्यू डी को एक्स प्लस टू एच लिख दिए। यहाँ पे कॉट बीटा के बराबर हो गया। पी क्यू इज इक्वल टू एक्स प्लस टू एच कॉट बीटा हो गया। इक्वेशन टू हो गया। फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू से हम लोग को देखते हैं, फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू वी गेट, चूँकि और लेफ्ट हैंड साइड पी क्यू है सेकेंड इक्वेशन में, लेफ्ट हैंड साइड में पी क्यू है फर्स्ट इक्वेशन, तो राइट लेफ्ट हैंड साइड जब इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होगा। तो एक्स कॉट अल्फा इज इक्वल टू एक्स प्लस टू एच कॉट बीटा। इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे, एक्स कॉट अल्फा इज इक्वल टू एक्स कॉट बीटा प्लस टू एच कॉट बीटा। एक्स कॉट अल्फा माइनस कॉट बीटा आपका टू एच कॉट बीटा हो गया। कॉट अल्फा को हम लोग लिख सकते हैं वन बाय टेन अल्फा, कॉट बीटा को वन बाय टेन बीटा, कॉट बीटा को वन बाय टेन बीटा लिख दिए। अब इसको क्या कि एलसीएम लिया तो टेन अल्फा टेन बीटा आया, इधर टेन बीटा माइनस टेन अल्फा होगा और इधर टू एच बाय टेन बीटा, टेन बीटा टेन बीटा कट गया। तो एक्स इज इक्वल टू वन बाय टू टेन टू एच टेन अल्फा बाय टेन बीटा माइनस टेन अल्फा। अब चूंकि हम लोगों को निकालना है हाइट ऑफ द क्लाउड, प्रूफ करना है हाइट ऑफ द क्लाउड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लेक, तो एक्स प्लस एच जो है ये आपका हाइट ऑफ द क्लाउड है फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लेक। तो एक्स का वैल्यू टू एच टेन अल्फा टेन बीटा माइनस टेन अल्फा आया, टू एच टेन अल्फा बाई टेन बीटा माइनस टेन अल्फा प्लस एच करेंगे। अब इसका हम लोग एलसीएम लेंगे तो टेन बीटा माइनस टेन अल्फा ही रह गया, ये जाके एच से मल्टीप्लाई हो जाएगा, एच टेन बीटा माइनस टेन अल्फा हो गया। ये टू एच टेन अल्फा में से एक टेन अल्फा कट गया, तो एच टेन टू एच टेन अल्फा में से एक आपका यहाँ पर देख लीजिए एक टेन अल्फा घट गया, तो आपका यहाँ प्लस का साइन होगा। ठीक है, यहाँ प्लस का साइन होगा, यहाँ आपका प्लस का साइन होगा, चूँकि जो आपका टू एच टेन अल्फा में से एक एच टेन अल्फा घट गया तो आपका बच गया सिर्फ एक एच टेन अल्फा और एच टेन बीटा अपने स्थान पर गया। एच कॉमन निकाल लिए। ठीक है, एच कॉमन निकालने के बाद हमारे पास यहाँ भी आपका टेन बीटा प्लस टेन अल्फा डिवाइडेड बाई टेन बीटा माइनस टेन अल्फा हो गया।
दो टर्म है हमेशा इसको ब्रैकेट में रखिएगा जब भी दो टर्म रहेगा तो। और ये हम लोगों को प्रूफ करना था, ये प्रूफ हो गया। इस वीडियो में इतना ही। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।